हेलो मेरे दोस्त यार, कैसे हैं आप सब। नमस्ते भाई, हम समझते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे आने वाले टाइम के ऊपर मैजिक अप सेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से बंडल देखने के लिए मिलेगा। कंफर्म न्यूज देने वाले हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं जो 8000 ब्याज वाला सिस्टम है, ये में नया मिशन आया ना गाइस, ठीक है। एक मिशन कंप्लीट करो और 8000 बैजेस मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो वो कैसे काम करेगा या फिर क्या है उसके पीछे का राज आप लोगों के सामने अभी होगा पर्दाफाश। उसके साथ साथ नया फेडेड व्हील को भी आप लोगों के सामने रिवील कर देगा एकदम, जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है पूरा स्ट्रीट फाइटर की थीम के ऊपर। वीडियो होने वाले काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को कभी भी स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया था तो प्लीज यार वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ साथ साइड वाला बेल आइकन को प्रेस करके उसको सिंपली ऑल पे डाल देना। अगर आप लोगों ने यह काम हमारे लिए कर दिया है तो फिर देरी किस बात की। चलिए बिना किसी देर के, बिना किसी वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। दोस्तों सबसे पहले वीडियो के अंदर हम लोग बात करना चाहेंगे नया फेडेड व्हील इवेंट के बारे में। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, कल वाले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दो तीन स्किन दिखाए देते गन के, आप लोगों को याद ही होगा। एक तो दिखाया था मैंने आप लोगों को MP5, एक तो दिखाया था मैंने आप लोगों को AWM। बस वहीं पे रुक जाइए, AWM का जो स्किन था ना वही आने वाला है आप लोगों का फेडेड व्हील इवेंट के अंदर। विश्वास नहीं हो रहा है आप लोगों को तो फोटो भी हमारे पास है, फोटो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। देख सकते हैं AWM का स्किन इसके अंदर अवेलेबल है। उसके साथ साथ आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है लंबो का स्किन, मतलब स्पीड कर का स्किन, डबल डैमेज प्लस सिंगल रिलोड स्पीड प्लस के साथ साथ मैगजीन इसके अंदर माइनस होता हुआ आप लोगों को बड़े आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ये AWM का स्किन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है आने वाला फेडेड व्हील इवेंट के अंदर, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर का इवेंट चालू हो चुका है। लास्ट टाइम जब हम लोगों को देखने के लिए मिला था रैम्पेज इवेंट, तभी रैम्पेज थीम का कुछ चीजें हम लोगों को, लाइक एक बंडल था रैम्पेज थीम का जो हम लोगों को फेडेड व्हील में देखने के लिए मिल चुका है। एंड इस टाइम मेरे को लगता है यही वाला गन स्किन आप लोगों को फेडेड व्हील में देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये गन स्किन नहीं आया तो कोई और बंडल दे सकते हैं करने वाले फेडेड व्हील इवेंट के अंदर, लेकिन जो भी आएगा वो रिलेटेड होगा आप लोगों का स्ट्रीट फाइटर इवेंट से लेकर के। चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे वीडियो के अंदर किंगफिशर के बारे में, माफ करना किंगफिशर गन के बारे में। बहुत तेज हो रहे हो हैं। हाँ पता है गाइस, आप लोग तो तेजी दिखा ही रहे हो, हम आपको दिखाते हैं किंगफिशर गन। तो आप लोगों को पता ही होगा थोड़ा दिन के पहले मैंने वीडियो डाला था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये वाला बैनर दिखाया था और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि यही है आप लोगों का किंगफिशर गन, यही है आप लोगों का करण अर्जुन। जैसे करण अर्जुन की माँ बोलती रहती है करण अर्जुन मेरे आएंगे, वैसे मैं आप लोगों को बोला था कि किंगफिशर गन आप लोगों को गेम के अंदर 2 जुलाई से देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों इसका गेम प्ले हमारे हाथों में लग चुका है, आप लोगों को दिखा देना चाहूंगे कि कैसा एक्चुअल में वर्क करता है किंगफिशर गन आपके गेम के अंदर। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते, तो इधर पे फोरेक्स स्कोप भी लगा हुआ है, उसके साथ साथ लेवल 2 का मजल, लेवल 2 का फोरग्रिप भी लगा हुआ है यहाँ पे एंड लेवल 2 का स्टॉक भी लगा हुआ है। और आप लोग देख सकते हो किस टाइप का वर्क कर रहा है ये वाला गन, बहुत अच्छा चल रहा है। इसका रेट ऑफ फायर जो होने वाला है ना गाइस, वो होने वाला है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा आप लोग मान लीजिए जो ऑक चलता है ना ऑक के जैसा, फिर ऑक से भी ज्यादा इसका रेट ऑफ फायर होने वाला है, बहुत अच्छा चलेगा। एंड इसके हिसाब से आप लोग हेडशॉट वगैरह भी लगा सकते हो अच्छे से। बाकी आप देख सकते हो ज्यादा डैमेज लेकिन इसका नहीं है, ऑब्वियसली जिस गन का रेट ऑफ फायर काफी ज्यादा होता है उसका डैमेज कम होता है एंड जिस भी का रेट ऑफ फायर थोड़ा सा कम होता है उसका डैमेज थोड़ा हाई होता है। इसे फ्री फायर के अंदर नहीं, हर एक गेम का यूनिवर्सल मैकेनिज्म यही होता है, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। बाकी मैंने तो आप लोगों को दिखा दिया कैसे वर्क कर रहा है ये वाला गन एंड कल तक आप लोगों को शायद से गेम के अंदर किंगफिशर गन देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो गरेना वाले इसको क्लासिक के अंदर डाल सकते हैं, उसके बाद जाकर के अदर जो बैटल वाले से होते हैं जैसे कि आपका रैंक मोड हो गया उसके अंदर बाद में डाला जाएगा, पहले मेरे ख्याल से क्लासिक के अंदर डाला जा सकता है। चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करना चाहेंगे वीडियो के अंदर हमारे प्यारे फ्री फायर के इस कारनामे के बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो वीक 2 के अंदर अगर आप लोग एक मिशन कंप्लीट करते हो तो लिटरली 8000 बैजेस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं आपके अकाउंट के अंदर। तो ये क्या है, ये कैसे काम करते हैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को पता ही होगा थोड़ा टाइम के पहले पाकिस्तान सरकार के अंदर एक लीच आया था जिसके चलते पाकिस्तान के बहुत सारे गरीब अमीर हो गए थे। क्या हुआ था मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ गाइस, हुआ था कुछ ऐसा कि पाकिस्तान सर्वर के अंदर जो भी उनका टॉपअप वेबसाइट के ऊपर जा करके टॉपअप करता था, पैसा लगाता था, ठीक है, तो पैसा तो उसके अकाउंट से नहीं करते थे लेकिन जितना भी डायमंड वो टॉपअप करता था वो सारे के सारे डायमंड्स उसके अकाउंट के अंदर आ जाते थे। तो ये वाला ग्लिच को यूज करके उनके बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ढेर सारा बैजेस, कोई 6000 7000 8000 तक बैजेस खरीद लिए, क्योंकि पैसा तो ऑब्वियसली नहीं जा रहा ना अपने पॉकेट से, तो बहुत सारे लोगों ने बैजेस खरीद लिए एंड पाकिस्तान सर्वर का प्लेयर्स टॉप में रैंक कर लेंगे बैजेस के हिसाब से ग्लोबल में। तो फ्री फायर का यही साजिश था, इंडियन सर्वर वाले लोग भी आगे आना चाहिए, इंडियन सर्वर वाले लोगों को भी फ्री का 8000 बैजेस दे देते हैं, वो लोग भी रैंक करने लगेंगे टॉप में।
कैसा लगा मेरा मजाक? माफ करना गाइस, ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्लिच है एंड गरना फ्री फायर इसको बहुत जल्दी सॉल्व भी करने वाला है। आप लोग देख सकते हो फ्री फायर ऑपरेशन टीम ने इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया है एंड न्यूज सेक्शन में आप लोगों को आज देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस टाइप का बैनर। इसके ऊपर वही चीज लिखा है जो थर्ड मिशन है, उस पर 10 बैजेस मिलना चाहिए ना कि 8,000 एंड उस चीज को हम लोग करेक्ट भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही होता है जब आप लोग सस्ते ऐसे करते हो, और मेरे ख्याल से फ्री फायर वाले भी कभी कभी सस्ते ऐसे कर लेते हैं, जिसका प्रूफ भी आप लोगों को आज मिल गया। चलिए वीडियो के अंदर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बताने जा रहे हैं आप लोगों को कंफर्म बातें कि मैजिक कप सेक्शन में आप लोगों को नेक्स्ट बंडल्स कौन-कौन सी देखने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से मेरा रहेगा, या आप लोग यहां तक वीडियो को देख रहे हो मतलब आप लोगों को काफी ज्यादा मजे भी आ रहे होंगे वीडियो के अंदर। ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोगों के लिए डेली हमारे चैनल के अंदर से बनता रहता है एंड अगर आप लोगों को फ्री फायर का जितने भी लेटेस्ट इवेंट आते हैं, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी सबसे पहले, तो यार आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो इस वाले वीडियो को आप लोगों को एक लाइक देना है। उसके बाद मान लीजिए आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहली बार आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हो, तो यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो यार फटाफट से। और उसके साथ साथ साइड में ही आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन का आइकन दिख जाएगा, उसको प्रेस कीजिए, उसको डाल दीजिए ऑल पे। ये करने से होगा क्या, जो भी वीडियो हम लोग डालेंगे उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन जाएगा आपकी फोन में एंड जो भी इवेंट आएगा, लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सबसे पहले। ये सब कहने के बाद ही मुझे पता है कुछ लोग मेरे बातें ही सुन रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, ठीक है, तो यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल देना। चलिए आप लोगों को फाइनली दिखाते हैं मैजिक कप का नया बंडल्स। तो गाइस ये देख ही लीजिए आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को कौन सा बंडल दिख रहा है, वाइल्ड फायर भैगावंड, उसके बाद आप लोगों को मिस्टर नटक्रैकर का बंडल देखने के लिए मिल रहा है, उसके बाद एक फीमेल का बंडल जिसका नाम है स्टार गेजर, और उसके बाद आप लोगों को जो बंडल देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, अभी ये जो भूत वाला बंडल, ठीक है, ये भूत वाला बंडल को याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को ये भूत वाला बंडल देखने के लिए मिल जाएगा अपना मैजिक क्यूब के अंदर। और उस हिसाब से देखा जाए काउबॉय वाला बंडल या फिर वाइल्ड फायर भैगावंड वाला बंडल आप लोगों को सबसे लास्ट में मैजिक क्यूब के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोगों को तो ऑर्डर पता होगा किस ऑर्डर में हमारे फ्री फायर इंडियन सर्वर के अंदर, हमारे डायमंड रॉयल के अंदर कौन कौन सी बंडल आया था, फिर भी अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो तो यार आप लोगों को और एक बार भी समझा देता हूं, बस जिस ऑर्डर में मैंने आप लोगों को बंडल दिखाए उस ऑर्डर को आप लोग उल्टा कर लीजिए, कोई बात नहीं, उल्टा मैं भी करके आप लोगों को दिखा देता हूं, सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैजिक क्यूब सेक्शन में आप लोगों को यह वाला बंडल देखने के लिए मिल जाएगा जिसको मैं बोल रहा था भूतिया बंडल, ठीक है, उसके बाद हो सकता है यह वाला बंडल आप लोगों को गेम के अंदर मैजिक क्यूब में देखने के लिए मिले ना मिले, उसके बाद फिर मिस्टर नटक्रैकर का बंडल आप लोगों को देखने मिलेगा और उसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा वाइल्ड फायर भैगावंड का बंडल। एंड आई थिंक मैंने आप लोगों को आने वाले 3-4 महीने के लिए जो मैजिक क्यूब सेक्शन के अंदर कौन कौन सी नए बंडल देखने के लिए मिलेंगे इसके बारे में जानकारी दे दिया, ठीक है, तो यार इधर उधर आप लोगों को भटकने की कोई जरूरत नहीं है, जो ऑर्डर में मैंने आप लोगों को बंडल्स दिखाए वो ऑर्डर में आप लोगों को बंडल्स आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलता रहेगा। इनके ऊपर जो बंडल मैंने आप लोगों को दिखाया ना वो एक बिल्कुल नया बंडल है, अभी तक गेम के अंदर तो ये वाला बंडल आया नहीं है एंड दोस्तों बहुत जल्दी ये वाला बंडल सबसे पहले तो आप लोगों को डायमंड रॉयल में देखने के लिए मिलेगा। डायमंड रॉयल के अंदर ये बंडल आ जाने के बाद आप लोगों को ये जो बंडल है देखने के लिए मिल जाएगा अपना मैजिक क्यूब सेक्शन के अंदर। लेकिन ये आप लोग बिल्कुल भी मत सोच लेना कि यही बंडल आप लोगों को नेक्स्ट डायमंड रॉयल में देखने के लिए मिलने वाला है, डायमंड रॉयल वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आ रहा है, उसके लिए आप लोग वेट कीजिए, उसके अंदर मैंने आप लोगों को प्रॉपरली एग्जैक्टली बता दूंगा डायमंड रॉयल के अंदर आप लोगों को कौन सा बंडल देखने के लिए मिलेगा आने वाले टाइम के ऊपर। और तो और दोस्तों टाइम आ चुका है टूनेट अपडेट के बारे में बात करने की एंड जहां तक हम लोग बात करें टूनेट अपडेट के बारे में, इधर तो आप लोगों को कोई भी नया बैनर वगैरह शो नहीं कर रहा है, टॉप इवेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया था 2-3 दिन के बाद जाकर के इंडियन सर्वर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके पीछे जो बैनर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना वो काफी ओपी सा है, क्योंकि जिसके बारे में हम लोग प्रेडिक्शन किए थे AWM का स्किन नेवर फेडेड विल इवेंट, ठीक है, तो वो इवेंट यहाँ पे इंडियन सर्वर के अंदर आज के 12 बजे के बाद मेरे ख्याल से तो आ जाएगा। और इधर आप लोग देख लीजिए डबल डैमेज प्लस इसके अंदर है, इलूट स्पीड सिंगल माइनस मैगजीन सिंगल माइनस है, ठीक है, इलूट स्पीड सिंगल प्लस ही है, शायद से मैंने माइनस बोल दिया, उस बात को गौर मत कीजिएगा, मस्त AWM का स्किन है एंड ये जो फेडेड व्हील है ना दोस्तों पुल टू पैसा वसूल होने वाला है, क्योंकि एक फेडेड व्हील के अंदर आप लोगों को 2-2 रेयर आइटम देखने के लिए मिलता है, पता नहीं इंडियन सर्वर में सेम चीज होगा या फिर नहीं, लेकिन अगर इंडियन सर्वर के अंदर भी आप लोगों को AWM का स्किन उसके साथ साथ स्पीड कार का स्किन देखने के लिए मिलता है तो आंख बंद करके जिसके पास भी 1200-1300 डायमंड है आप लोग लगा सकते हो, क्योंकि वर्थ इट है यार, मैं हर एक चीज को वर्थ इट नहीं बोलता हूं, लेकिन दोस्तों
यहाँ पे चीजें हैं, सही चीजें दिया गया है। एंड AW का स्किन काफी ज्यादा ओपी दिखता है, ये जो आप लोगों को स्पीड कार्ड का स्किन दिया गया है ये भी काफी ज्यादा ओपी दिख रहा है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया अगर आप लोग अपना 1200-1300 डायमंड इसके अंदर लगाओगे तो बिल्कुल भी फोकट में नहीं जाएगा वो चीज, ठीक है, फालतू में नहीं जाएगा वो चीज। आप लोग खुद बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में, ये जो फेटेड हुई का इवेंट मैंने आप लोगों को दिखाया ये आप सभी लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज्यादा ओपी लगा। यहाँ पे लिखा है प्ले एंड स्किल टू गेट द सिवा बॉक्स, इंडियन सर्वर में ये वाला इवेंट आएगा कि नहीं पता नहीं दोस्तों। एंड जो फेटेड हुई मैंने आप लोगों को दिखाया उसके अंदर जो भी आइटम्स है मैं तो क्लेम करके निकालने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को फ्री में नहीं मिला है इस बार। अगर आप लोग निकालने जा रहे हो या फिर नहीं निकालने जा रहे हो, कुछ भी हो, आप लोग मेरे को कॉमेंट सेक्शन में अपनी दिल की बात बता सकते हो। चलिए फिर आज का वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी ने क्वेश्चन वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से खेलते रहो, अपने सारे एनिमीज को मारते रहो।